So let's begin with the new chapter here, linear programming, name of the chapter, seventh chapter from Maths 1. Okay, so let's begin with that now. And basically this is a very interesting chapter which deals with the graphical solution ke sath ye. So basically ye chapter jo hai, it deals with the graphical methods. अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर कॉन्वेक्स है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दिस वाज अ वेरी मतलब बहुत सिंपल चैप्टर है. सो आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ द एक्सरसाइज. हाँ, और आप लोगों को समझ में आएगा, गारंटी है. ठीक है, डायरेक्टली गो फॉर पेज नंबर 232. चलिए पेज नंबर 232 डायरेक्ट वहीं पे चल दे. ये रहा पेज नंबर 232 और ये है उसका एक्सरसाइज 7.1. सो दिस एक्सरसाइज 7.1 इज अ काइंड ऑफ नेट प्रैक्टिस फॉर द रियल चैप्टर. ठीक है, एक्सरसाइज 7.1. चलिए मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे. आई स्टार्ट विद दैट नाउ. सॉल्व ग्राफिकली. सो आई जस्ट कॉपी दिस ओवर हियर. मुझे ग्राफिकली सॉल्व करना है. नो बिफोर आई लेट्स बिगिन नाउ. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सॉल्व ग्राफिकली कैसे होगा. रही है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड वाई इज लेस देन और इक्वल टू जीरो. आई वॉन्ट ऑल दैट रीजन. पूरा रीजन मुझे चाहिए, मुझे ग्राफिकली उसको दिखाना है. तो कैसे हो सकता है वो रीजन बताएंगे प्लीज. लेट अस कंसिडर हियर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस कंसिडर कर लूँ, लेट्स से आवर समझो कि ये है एक्स और वाई एक्सिस. कुछ ऐसा है समझो. ठीक है, तो इन दैट केस let's say this is x y, okay, origin, और points जो है यही पर zero है. say for example, now I want see x is equal to zero. अगर इस line को मैं consider कर लू, if I consider the line x is equal to zero, तो ये line तीन parts में divide करती है set of points को. you understand what I'm saying there. This line will divide the set of points in three different parts, we say. It will divide all the set of points in three different points. On the line, on one side of the line, and on other side of the line. Now, x is equal to 0, matlab it's a y-axis. X is equal to 0, matlab it is y-axis. So, if I consider here all the set of points, x is equal to 0 की वजह से यहाँ पर ये जो सारे सेट ऑफ पॉइंट्स है, दे आर गेटिंग डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स. कैन यू से थ्री पार्ट्स रादर, नॉट थ्री इक्वल पार्ट्स, थ्री पार्ट्स. कौन से तीन पार्ट्स में डिवाइड करेगा. यहाँ पर है x is equal to 0, उसके इस साइड में है x is greater than 0 और उसके लेफ्ट साइड में है x is less than 0. डू यू अंडरस्टैंड दैट. विच ऑल पॉइंट्स आई एम इंटरेस्टेड इन. आई एम इंटरेस्टेड इन ऑल द पॉइंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो विच पॉइंट्स आर देयर, विच आर देयर फॉर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो कौन से पॉइंट्स है. दीज आर ऑल ये वाले पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर एंड उसके राइट साइड में. यस और नो, ऑन द लाइन एंड ऑन द लेफ्ट ऑफ द लाइन. बराबर है क्या, इजंट इट. अब उसी तरह से मैं यहाँ पर सारे पॉइंट्स दे सकता हूँ. ये रहा पॉइंट और एक, इजंट इट. उसी तरह से वो यहाँ पर भी हो सकता है. सो ऑल दीज पॉइंट्स आ जाए. समझ में आ रहा है सबको, इजंट इट. ऑल दीज पॉइंट्स, यहां पर भी होगा ये पॉइंट. ये सारे पॉइंट्स, ऑल दीज पॉइंट्स. इज दिस क्लियर टू ऑल. इज दैट ओके. ऑन द लाइन एंड ऑन द राइट ऑफ द लाइन. तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन मैंने लिख दिया यहां पर.
अब उसी तरीके से आप लोग मुझे बताओगे ये लेस देन और इक्वल टू मतलब कौन से होंगे पॉइंट्स, विच ऑल पॉइंट्स, इफ आई शो हियर विच ऑल पॉइंट्स आर देयर, लेस देन और इक्वल टू मतलब यू कैन इमेजिन विच पॉइंट्स, वंस अगेन द सेम काइंड ऑफ थिंग, आई टेक इट ओवर हियर, कौन से पॉइंट्स होंगे बताइए, इट्स लाइक ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और यहाँ पर है ओरिजिन, नाउ आई वांट ऑल द पॉइंट्स एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज लेस देन जीरो, सो कौन से पॉइंट्स होंगे, कैन यू प्लीज टेल मी विच ऑल पॉइंट्स, द पॉइंट्स विच आर लाइक दिस, ये सारे पॉइंट्स, यस और नो, ऑन द लाइन एंड ऑन द लेफ्ट ऑफ द लाइन, इज दिस क्लियर टू ऑल, दैट्स वेरी इजी, इज दिस क्लियर, ये सारे पॉइंट्स होंगे, समझ में आ गया, सिमिलरली यू कैन थिंक ऑफ दिस ऑल्सो, वाई इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो, आई लीव इट टू यू, कैन आई, आई लीव इट टू यू, कैन आई, आप लोग सोच सकते हो इसमें ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट नाउ, सॉल्व ग्राफिकली, तो ये दोनों मैंने सॉल्व कर दिए हैं, एक और दो, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट थिंग विल गो क्विकली फॉर द नेक्स्ट पार्ट नाउ, ये रहा सॉल्व ग्राफिकली, क्या दिया है जी यहाँ पे, आई गो फॉर द फर्स्ट पार्ट, ये जो है दिया हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, व्हाट इज दिस, कौन सा पार्ट है ये, एक्स और वाई दोनों भी दिए हैं यहाँ पे, बताइए जी, जी दिस इज एक्स दिस इज वाई ओरिजिन, नाउ आई वॉन्ट सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, कौन सा होगा, मतलब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, इट्स अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज ऑल द पॉइंट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये सब ये वाले पॉइंट्स यहां पर इस लाइन पर और उसके राइट साइड में, सिमिलरली इस लाइन पर और उसके ऊपर की दिशा में, इज दिस क्लियर टू यू ऑल, इज दिस ओके, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इज दैट ओके, समझ में आ गया, चलो ये बताइए, सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला बताइए, लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल, इज दिस द सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, यस और नो, सो दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या होगा, एक्स इज निगेटिव एंड वाई इज ऑल्सो निगेटिव, इज दिस थर्ड क्वाड्रेंट, हेलो, एंड एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज निगेटिव, सो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, एनी डाउट्स, इज दिस ओके, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो मैंने बताया था ना बहुत इजी है ये, दिस इज वेरी इजी, सॉल्व ग्राफिकली थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व ग्राफिकली थर्ड क्वेश्चन, क्या दिया है यहाँ पे, हाँ अब आएगा मजा, नाउ दिस इज गोना बी नाइस वन, चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर थ्री, थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व ग्राफिकली, ओके, अब इसमें कुछ स्टेप्स होंगे, स्टेप्स, जब भी ऐसा इक्वेशन दिया जाता है, कन्वर्ट, स्टेप नंबर वन, पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर वन, कन्वर्ट द इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन, कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन, सेकंड स्टेप, प्लॉट द लाइन फॉर इक्वेशन एंड थर्ड मार्क द रीजन और शेड द रीजन और शो द रीजन, शो द रीजन ग्राफिकली, ठीक है, मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए एंड आई एम श्योर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ गया, नाउ लेट्स अप्लाई द स्टेप्स सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस, ओके,
चलिए पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सब पार्ट 1, व्हाट इज द इनइक्वालिटी? दिस इज कॉल्ड एज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होता है? जिसमें इनइक्वल अनइक्वल का साइन होता है उसको इनइक्वालिटी कहते हैं। सो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट बाय इनइक्वालिटी? जो इक्वल टू नहीं होता है उसको इनइक्वालिटी कहते हैं। सो व्हाट इज द इनइक्वालिटी? 2x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट दिस इनटू एन इक्वेशन। आप लोग ये एक एक स्टेप अप्लाई करते जाएंगे। कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू एन इक्वेशन? मैंने आपसे पूछा कैन यू कन्वर्ट दिस इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन? हाँ, बस अनइक्वल का साइन हटा दो तो क्या आएगा? हाँ तो बताओ ना फिर। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बहुत डिफिकल्ट था लेकिन देखो आपने फोकस किया तो आ गया ना आंसर। हाँ फोकस करो। ओके, नाउ स्टेप नंबर 2। इसको मैं और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 2x इज इक्वल टू 3, और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई, x इज इक्वल टू 3/2। देखो आ गया। नाउ स्टेप नंबर 2, वी हैव टू प्लॉट दिस। प्लॉट करना है अपने को। चलिए दोबारा फोकस करिए, कैसे करेंगे प्लॉट बताइए मुझे। कम ऑन टेल मी। देखिए ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है ओरिजिन, एंड अगर मैं इसे 1 बोलता हूँ और इसे 2 बोलता हूँ और इसे 3 बोलता हूँ, आई कैन ना, एंड दिस इज अगेन 1 एंड 2 एंड 3। मुझे x इज इक्वल टू 3/2 ये लाइन कैसे होगा? व्हाट इज दैट लाइन? हाँ 1.5 कहाँ पर? यहाँ पे ना। यस, ऑन द x एक्सिस, बिकॉज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0, और अगर मैं ऐसा लाइन ले लू तो इसका इक्वेशन क्या होगा रे? दिस इज x इज इक्वल टू 1। यू सी दिस इज x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर मैं इधर ले लू तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? वेरी गुड, x इज इक्वल टू 2। और फिर अगर यहां पर होगा तो इसका इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू 1.5, दैट इज x इज इक्वल टू 3/2। x इज इक्वल टू 3/2। अब आगे बताइए मुझे, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इस इनइक्वालिटी को अगर आप गौर से देखते हो तो ये इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2। मतलब हमको पॉइंट ऑन द लाइन चाहिए एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन भी चाहिए। यू सी, क्योंकि ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन फॉर हर पॉइंट एक्स इज ग्रेटर देन 3/2 एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन फॉर एवरी पॉइंट एक्स इज लेस देन 3/2। सो आई वॉन्ट दिस एंड दिस। यू सी, इज दैट क्लियर? तो सेट ऑफ पॉइंट्स बताइए ना कैसे डिनोट करेंगे। सेट ऑफ पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय ऐसे, ऐसे, वैसे, वैसे और कैसे। समझे? इज दिस ओके? Any doubts? Hello. हाँ बोलना। अच्छा क्लियर। अच्छा भाई इसका क्या होगा? y is greater than 5/2, greater than or equal to, and I'm sure you want to do that, and I'm sure you want to do this also, but let me do this at least please, ठीक है ना? I'll do this fourth one, okay? चलिए फोर्थ वन, 3 मेक अप 4, 3 सब पार्ट 4। यू सी व्हाट इज द इक्वेशन देयर? सॉरी, इनइक्वालिटी इज 5y प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। टेप नंबर 1, कन्वर्ट दिस इनटू एन इक्वेशन। दिस इज 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -3/5। यू सी, मतलब एक्चुअली ये क्या है? y इज लेस देन और इक्वल टू -3/5। बोले तो y इज लेस देन और इक्वल टू -0.6। कितना? 0.6। यू सी, तो शेड द रीजन। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? x और y। फर्स्ट आई कंसीडर हियर x और y एक्सिस। लो जी हो गया x और y एक्सिस। दिस इज x, दिस इज y एक्सिस, ओरिजिन, और ये रहा। चलिए मैं इसको बोलूंगा दिस इज 1
एंड दिस इज वन. समझे क्या? इज दैट क्लियर टू ऑल? पॉइंट सिक्स, वाई इज इक्वल, यहां पर भी वन होगा, माइनस वन होगा ये, और यहां पर भी माइनस वन होगा. इज दिस ओके? समझ में आ गया? एक्सक्यूज मी. तो अब y इज लेस देन और इक्वल टू माइनस पॉइंट सिक्स. माइनस पॉइंट सिक्स कहां पर आएगा? वट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? वट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? y इज इक्वल टू जीरो. वट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? y इज इक्वल टू वन, सॉरी 0.5, है ना? So what will be the equation of this line? Y is equal to 1. So what will be the equation of this line? Y is equal to minus 1. ये 0.5 होगा और 0.5 के थोड़ा सा इधर होगा 0.6. So what is the equation of this line? Y is equal to minus 0.6. Is this okay? For every point above this line, Y is greater than minus 0.6. And for every point below this line, y is less than minus 0.6. So I want equal to 0.6 and less than 0.6. I want equal to 0.6 and less than 0.6. So what is the region on the line and below the line? Do you understand that? Samajh mein aa raha hai? So kaise hoga wo? I have to show this now. I'll show the region like this. This is minus 0.6. So this is y is equal to minus 0.6. And this is y is less than minus 0.6. And if I want to show the region is shown like this. Is that clear? The region is shown like this. So it will be like this. And like this. And like this. Is that okay? Is that okay? Any doubts about that? समझ में आया? Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं. Online guys, are you following that? Well, let us take this further now. Solve graphically. Now यहां पर इसके पहले जो हमने solve किया था, यहां पर this was equation involving only x, only y, only x and only y. अब यहां पर दोनों भी है, x एंड y, isn't it? This is involving both x as well as y. चलिए शुरू करते हैं. Let's begin with this now. Question number 4 की तरफ बढ़ रहे हम लोग. We are going for question number 4. So I'll go for the 4 mega 1. Question number 4 sub part 1. क्या दिया है यहां पे? 4 sub part 1. What is the inequality? X plus 2y. Is less than or equal to 6. अब ये वाला जो टाइप है ना, ये तुमको एक्चुअल, यहां से एक्चुअल तुमको इस टाइप के पूछे जाते हैं. इसके पहले सिर्फ नेट प्रैक्टिस था. चलिए स्टेप नंबर 1 क्या था बताइए. What was step number 1? Please tell me. What was step number 1? Step number 1 was convert this into an equation. So what will be the equation? It'll be x plus 2y is equal to 6. Step number two says plot the line for equation. इस equation के लिए मुझे line plot करना है. How can I plot this? आपको याद होगा जब बचपन में आप graph graph खेलते थे ना school में, आप लोग graph graph खेलते थे. तो उसमें if you remember कि put x is equal to 0, we get 2y is equal to 6, मतलब y is equal to 3. So the point is 0,3. You see? This is called as finding the y-intercept. Then I'll put y is equal to 0. If I'll put y is equal to 0 here, this will give me x is equal to 6. So x is equal to 6. This is called as x-intercept, 6,0. Is that okay? And this is how we plot the line.
सो लेट्स गेट गोइंग फॉर दैट. यहाँ पर एक लाइन में प्लॉट करने की कोशिश करूंगा. आई ट्राई टू प्लॉट अ लाइन ओवर हियर. Okay, so this is y-axis and x-axis. चलिए मुझे ये दोनों पॉइंट्स चाहिए, तो आई विल टेक दिस एज मुझे दिख रहा है कि x-axis पर मुझे 6 तक जाना पड़ेगा. सो इट्स लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. y-axis पर मुझे 3 तक जाना पड़ेगा मिनिमम. सो 1, 2, 3 and 4. Plot the points. 0, 3. कहाँ पर होगा ये point? 0, 3. Come on. इधर ना? अच्छा इधर होगा. Okay. नहीं मुझे पता. I'm just asking. Thank you. Okay. So this is 0, 3. And 6, 0. It's here. Right ना? So this is 6, 0. Let us plot the line which is connecting these. इसको connect करने वाला line plot कीजिएगा. ये रहा वो line, correct? Isn't it? This is the line, required line. गौर से देखिए, ध्यान से देखिए अब इस point को जो मैं explain करने जा रहा हूँ. Please understand what I'm trying to tell you now. यहाँ पर इस लाइन की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस लाइन, द सेट ऑफ पॉइंट्स आर डिवाइडेड इन थ्री पॉइंट्स, थ्री रीजन्स. ओके, दीज आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन. कौन से पॉइंट्स ऑन द लाइन? जिन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स. इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. यस ऑर नो? यस ऑर नो? अच्छा, इसे कहते हैं ओरिजिन साइड. दिस साइड इज कॉल्ड एज ओरिजिन साइड, क्योंकि इस लाइन के इस साइड में ओरिजिन लाया करता है. अगर ये ओरिजिन साइड है, इस लाइन का दूसरा साइड जो कहलाएगा नॉन ओरिजिन साइड. नॉन ओरिजिन साइड, डू यू अंडरस्टैंड दैट? दिस इज कॉल्ड एज नॉन ओरिजिन साइड. समझ में आ रहा है? इजंट इट? दिस इज कॉल्ड ओरिजिन साइड. अच्छा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है बाबा? 0, 0. अगर मैं नॉन ओरिजिन साइड का कोई भी पॉइंट कंसिडर करूं, चाहे वो 0, 0 हो, या व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1, 2. अगर मैं 1, 2 भी अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, इवन इफ आई सब्स्टिट्यूट 1, 2 इन दिस, अगर इसके अंदर अगर यहां पर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है, क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स? 1, 2. अगर मैं यहां पर x के जगह पर 1 और y के जगह पर 2 लिखता हूं, तो व्हाट आई गेट देयर? 2 to the 4 plus 1, 5. इज दिस 5 लेस देन 6? यस और नो? मतलब फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस साइड, इस साइड के सारे पॉइंट्स है, इसमें x plus 2y इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन 6. इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? वेयर एज, तो अगर मैं ओरिजिन भी ले लूं तो मुझे वही मिलने वाला है. फॉर ओरिजिन इफ आई सब्स्टिट्यूट, x के जगह पर आएगा 0 प्लस 2 टाइम्स 0 is equal to 0 and this 0 is less than 6. So for all the points here, यहाँ पर सारे points हैं उनके लिए, कौन सा inequality valid है यहाँ पे? Which inequality is valid here for all the points?
दिस इनइक्वालिटी इज वैलिड, यस और नो, इजंट इट? सो दीज आर पॉइंट्स ऑन द ओरिजिन साइड, इज दैट ओके? नाउ इफ आई कंसिडर एनी पॉइंट ऑन द नॉन ओरिजिन साइड, से फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लू, कौन सा पॉइंट है ये, इसके कॉर्डिनेट से 4, 3, इफ आई कंसिडर 4, 3 एंड इफ आई सब्स्टिट्यूट एक्स के जगह पर 4, वाई के जगह पर 3, तो आंसर क्या आएगा, 3 × 6 + 4 = 10 एंड दिस 10 इज ग्रेटर देन 6. सो फॉर दैट सेक इफ यू कंसिडर एनी पॉइंट ऑन दिस साइड, इस साइड में आप कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लीजिएगा, तो इट इज गोइंग टू फॉलो विच इनइक्वालिटी, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर? इज दैट क्लियर? सो बेसिकली दिस लाइन डिवाइड्स द सेट ऑफ पॉइंट्स इन थ्री डिस्टिंक्ट रीजन्स. वी से दिस पॉइंट डिवाइड्स द सेट ऑफ लाइंस इन थ्री डिस्टिंक्ट रीजन, x ऑन द लाइन, अबो द लाइन, बिलो द लाइन. On the line, x plus y, 2y is equal to 6. Below the line, x plus 2y is less than 6. And above the line, x plus 2y is greater than 6. Is this okay? What are we looking for? We are looking for equal to and less than 6. We are looking for equal to 6 and less than 6. Is this okay? Is that clear? So what are the set of points we want? On the line and below the line. How do we show these set of points here? कैसे दिखाएंगे ये set of points? आप बताइए मुझे. We are going to show here by. कैसे दिखाएंगे? Set of points will be showing here by. Come on, tell me please. The set of points that we are going to show here, they are on the line and below the line. On the line and below the line. All these points on the line and below the line. Is this clear to you all? Hello? And they will be in all possible quadrants. I mean, sub quadrants mein honge wo sare points. Is that clear? Hello? Is this very clear to you all? Please answer. Chaliye aage badhte hain. Let's take another. So this is the answer for the question. Online people, is this clear to you all? Online? Yes, sir. Okay. I'll go for the next question now. 4 subpart 2. 2x minus 5y is greater than or equal to 10. 4 subpart 2. 4 maker 2. अब आप लोग मुझे बताओगे. 4 subpart 2. It says 2x minus 5y is greater than or equal to 10. चलिए आप बताओगे मुझे. Same. Step number 1. I'll guide you. कन्वर्ट द इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन. आप इक्वेशन मुझे बता सकते हो तो आपको, हाँ बताइए. सो दिस इज गोइंग टू बी 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 10. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप, यू हैव टू प्लॉट दिस. प्लॉट करने के लिए मुझे x और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे. फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0. सो इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0, दिस विल गिव मी माइनस 5y इज इक्वल टू 10, मतलब 5y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 2. So the point is 0, -2. I hope this is clear to you all. चलिए अगला वाला पॉइंट क्या करेंगे. पुट y इज इक्वल टू 0. इफ आई पुट y इज इक्वल टू 0 हियर, दिस विल गिव मी 2x इज इक्वल टू 10 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 5. सो व्हाट इज द पॉइंट देयर? 5, 0. सो व्हिच पॉइंट आई एम लुकिंग फॉर? 0, -2, 5, 0. दिस इज गोइंग टू बी ऑन द x एक्सिस पॉजिटिव साइड, y एक्सिस नेगेटिव साइड. डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो लेट अस प्लॉट दिस थिंग. इसको हम प्लॉट कर लेते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. -1, -2, -3, and -1.
-1, -2, -3, -4. चलिए बताइए कैसे करेंगे। 0, 2, 0, -2 रादर। y एक्सिस ऊपर नीचे कहां पे? नीचे। सो इट्स हियर 0, -2। आगे बताइए 5, 0, ये रहा 5, 0। सो हाउ इज द लाइन गोइंग टू बी? How is the line going to be? It's going to be like this. Is that okay? Is it like this? What is the equation of this line? 2x - 5y is equal to 10. अब मुझे greater than और less than side find out करना है। कैसे करेंगे बताइए? टेक वन पॉइंट हियर ऑन द ओरिजिन ही ले लो ना। इज ओरिजिन वन ऑफ द पॉइंट्स? इज द ओरिजिन वन ऑफ द पॉइंट्स? सो इफ आई सब्स्टिट्यूट देयर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर लू यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा? देखिए एक्स के जगह यहाँ पर ओरिजिन है तो ये बनेगा 0, -0, सो यू गेट 0 एंड 0 इज लेस देन 10। मतलब ओरिजिन साइड क्या कहलाएगा? लेस देन। ओरिजिन साइड क्या कहलाएगा? लेस देन। तो व्हाट शल आई राइट हियर ऑन द ओरिजिन साइड? में क्या लिखूंगा? ऊपर के पॉइंट्स होंगे 2x - 5y इज लेस देन 10। अगर ऊपर का लेस देन 10 है तो नीचू का क्या होगा? ग्रेटर देन। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं? राइट हियर 2x - 5y इज ग्रेटर देन 10। डिड यू अंडरस्टैंड हाउ आई फाउंड आउट दिस लेस देन इक्वल देन साइड? आपने ओरिजिन साइड, अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 है तो इधर 0 लिखो, 0 लिखो, 0 इज लेस देन 10। दैट्स इट। इज दिस ओके? इज दैट क्लियर? ऑलराइट, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो विच ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन, बिलो द लाइन? विच ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन, बिलो द लाइन? मतलब ये सब पॉइंट्स होंगे यहाँ पे। Is this okay? Any doubts about that? Hello? अरे समझ में आ गया क्या बाबा? Everybody understood this? Clear? Yes, sir. Alright. So let us proceed further now. आगे बढ़ते हैं. So that was 4 maker 2. क्या बोले? You want to solve this? नहीं नहीं ये दोनों मैं ही कर लेता हूँ, मैं ही कर लेता हूँ। It's different, you know. तो 4 maker 3, 4 subpart 3। चलिए 4 subpart 3। Can you help me? Can you guide me? Can you just tell me the next step there? 4 subpart 3. It is saying 3x + 2y. is greater than or equal to 0? बताइए। कर दिया 3x + 2y is equal to 0। चलिए सो वेरी गुड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स को हेल्प करिएगा मुझे। अच्छा आई विल पुट y is equal to 0, x is equal to 0। फैंटास्टिक। यस पेयर ऑफ लाइन्स में हमने देखा था ax, दिस इज लाइन ऑफ द टाइप ax + by इज इक्वल टू 0। मतलब दिस पासिस थ्रू ओरिजिन। ओ माय गॉड, तो हाउ डू आई फाइंड आउट एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट? इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो दूसरा पॉइंट के लिए आप हेल्प करो ना प्लीज। दिस पासिस थ्रू ओरिजिन, कैन यू हेल्प मी फॉर द फाइंडिंग आउट द अदर इंटरसेप्ट देयर? मतलब दूसरा कोई पॉइंट। If I'll put x is equal to 2, very good. ये बन जाएगा 3 to the 6, उधर जाके -6 होगा, so y is equal to -3. Fantastic. I got this. So you have to be little bit tricky here while substituting. ऐसा factor होना चाहिए जो आपको divide करके वहां पर बराबर से देगा, fraction में नहीं आना चाहिए, बराबर है? Isn't it?
चलिए आगे बताइए, फिर मुझे इसको प्लॉट करना पड़ेगा. सो लेट मी प्लॉट दिस, हाउ इज दिस गोइंग टू बी? कौन सा वाला? ये वाला. हाँ, ऐसा पॉइंट ले लीजिएगा, मैंने अगर x इज इक्वल टू टू लिया, अगर x इज इक्वल टू वन लिया तो क्या होगा पता है? थ्री वन जा थ्री, उधर जाके माइनस थ्री, एंड y विल बी माइनस थ्री बाई टू. फ्रैक्शन आ रहा है तो इसलिए मुझे ऐसा पॉइंट लेना चाहिए. अगर मैं x इज इक्वल टू टू लिखता हूँ, थ्री टू जा सिक्स, उधर जाके माइनस सिक्स, y इज इक्वल टू माइनस सिक्स अपॉन टू, दैट इज माइनस थ्री. बरूबर है? सो यू हैव टू बी लिटिल ट्रिकी हियर वाइल सब्स्टिट्यूटिंग, यू सी. तुमको ये शायद टेंथ में था, आई गेस व्हेन इट वाज. हाँ, वेरी गुड. चले कोई बात नहीं. तो लेट अस प्रोसीड नाउ कि यहाँ पे मुझे पॉइंट जो चाहिए वो कुछ इस प्रकार के हैं. दिस इज एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ओरिजिन वन टू थ्री, माइनस वन, माइनस टू एंड माइनस थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, वन टू थ्री. जी, फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन डन. दूसरा पॉइंट है टू कॉमा माइनस थ्री, टू कॉमा माइनस थ्री, इट्स ओवर हियर. वेरी करेक्ट, आप लोगों ने सही बताया, टू कॉमा माइनस थ्री सही है. सो लेट मी जस्ट प्लॉट दिस लाइन. इस लाइन को हम प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे ऐसे, ये रहा लाइन, इजंट इट? एनी डाउट्स अबाउट दिस? चलिए अब आती है बारी ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड. तो यहां पे वैसा भी कुछ नहीं है क्योंकि इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. So for all the points on this line, we can say 3x plus 2y is equal to 0. Now I want to know what happens for the point above this line and below this line. तो उसके लिए take one point. कौन सा point? कोई भी point. मैं कौन सा point conveniently ले सकता हूँ? Can I take this 1,0? 1,0 अगर मैं लिखूँ x के जगह पर 1. For 1,0 क्या हो जाएगा बताइए? This will become 3 plus 0. Is this greater than 0? Is LHS greater than RHS? So for all the points above the line, what is the inequality? Correct. क्या बोले आप लोग? 3x plus 2y is greater than 0. और अगर एक साइड greater than 0 है तो आंख बंद किए आप डायरेक्ट बोल सकते हो दूसरा साइड क्या होगा? Less than zero, absolutely correct. So I'll say the other side. The other side is going to be 3x plus 2y is less than zero. And what I want? I want greater than zero equal to zero. I want greater than zero equal to zero. So बताइए कैसे होगा ये? How is this going to be? बताइए कैसे होगा ये? It is. ऑन द लाइन अबोव द लाइन. सो ये कुछ इस प्रकार होगा. यस और नो? ये समझ में आ गया क्या? आर यू श्योर एवरीवन? यू मीन टू से अगला वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे हेल्प कर सकते हो सॉल्व करने के लिए जो बिल्कुल इसी प्रकार का है. कैन यू हेल्प मी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन ऑफ द सेम टाइप? कैन यू? हाँ बोलने का ऐसे पूछने के बाद. वेरी गुड. चलिए सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 सब पार्ट 4. 4 सब पार्ट 4 क्या बोलता है ये? 5x माइनस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 0. चलिए हेल्प मी. स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट द इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन. 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. अगेन दिस इज इक्वेशन ऑफ द टाइप ax प्लस by इज इक्वल टू 0. सो दिस विल पास थ्रू ओरिजिन. पुट x इज इक्वल टू 0. To your surprise, you'll get y is also equal to 0. So, very good. Now, please raise your hands to tell me for the point जो कि यहाँ पे मुझे मिलेगा. Please raise your hands for finding out the next point. 1, 2. अरे 5 और 3 है ना, 5 और 3 है ना,
तो यू टेक एक्स इज इक्वल टू थ्री ना, थ्री डिवाइड होके कैंसिल होएगा ना, तो यू विल गेट वाई इज इक्वल टू फाइव. यू सी, प्ले स्मार्ट. एनी डाउट्स अबाउट दैट? आई एम श्योर आप लोग ऐसे ही सोच रहे थे ना. वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट. ऑलराइट, सो व्हाट इज द पॉइंट देयर? 3.5. सो लेट्स गेट गोइंग नाउ. यहां पे हम लोग मार्क कर लेते हैं बाबा. चलिए, चलिए शुरू करते हैं. दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज वन. चलिए बताइए, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. ये रहा, यही है ना? आप लोगों ने यही बोला ना मुझे? यू टोल्ड मी दिस थिंग ओनली ना? हाँ, आप सही बताते हो. वेरी गुड. एंड दिस इज ओरिजिन. चलिए अब बताइए आगे क्या करना है. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग आई डू? आई विल ड्रॉ द लाइन. इट पासिस थ्रू ओरिजिन एंड दैट पॉइंट. वेरी गुड. सो आई विल ड्रॉ द लाइन. एंड दिस लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन. अब तेरी ये किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? हाँ जी बताइए. सो दिस इज द लाइन. नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? लेस देन और ग्रेटर देन फाइंड आउट करने के लिए आप लोग मुझे हेल्प करोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा. प्लीज डोंट कीप योर माउथ शट. दिस इज 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. कम ऑन, टेक एनी पॉइंट. 1,0 ले लिया. सो फॉर 1,0 व्हाट हैपेंस? 1, 5. 5 माइनस 0 इज 5 एंड 5 इज ग्रेटर देन 0. तो व्हाट इज द इनइक्वालिटी? 5x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 0. नेचुरली 5x माइनस 3y इज लेस देन 0. ये समझा ना रे? एंड आई वांट लेस देन 0 इक्वल टू 0. यह एंड वह, राइट? तो हाउ शुड आई शो इट? ये होगा इस प्रकार, राइट? ऑन द लाइन एंड अबोव द लाइन. एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आया सब? समझे? इज दैट ओके? फैंटास्टिक, वेरी गुड. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज ओवर हियर. अभी तक हम एक ही लाइन के साथ खेल रहे थे, अब आएगा मजा. वी स्टार्ट प्लेइंग विद टू टू लाइंस नाउ. दो दो लाइन ये रहे. सॉल्व ग्राफिकली, वी आर गोइंग टू प्ले विद टू लाइंस नाउ. We are going to play with two lines now. Solve graphically. And you are going to help me out there. क्या बोले इसमें से आपको कुछ सॉल्व करना है घर पे? नहीं? I'll start with 5 mega 1. I'll start with 5 sub part 1. Total 5 question है ना? तो इसमें से मैं 3 सॉल्व करता हूं, फिर 2 आप देख के बताइए सॉल्व कर पाओगे कि नहीं. तो लेट मी स्टार्ट सॉल्विंग द फर्स्ट क्वेश्चन. आई स्टार्ट सॉल्विंग द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. यस, लेट्स गेट गोइंग. 5 सब पार्ट 1 क्या बोल रहा है ये? दो लाइंस है यहां पे, करेक्ट? क्या बोला आपने? कन्वर्ट द इनइक्वल इनटू इक्वेशन. वेरी गुड. So let me start with that. Fantastic. I'll write this. क्या बोला? 2x plus y is equal to 2. और दूसरा x minus y is equal to 1.
फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू टू द पॉइंट इज जीरो कॉमा टू एंड फॉर वाई इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू वन द पॉइंट इज वन कॉमा जीरो. वेरी गुड इजंट इट. आई एम श्योर आप यही डिस्कस कर रहे हो ना. वेरी गुड वेरी गुड. कीप इट अप. आई गो फॉर द नेक्स्ट वन. फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो पिक्चर देख रहे हो. पिक्चर का टिकट निकाल के आए हो. वाई इज इक्वल टू ओके फिर कोऑर्डिनेट्स बताइए आगे. हाँ हाँ ओके फिर कोऑर्डिनेट्स. वेरी गुड. अब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ले लीजिए. ये रहे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. व्हाट इज द मैक्सिमम कोऑर्डिनेट दैट आई वांट टू गो फॉर. दो टू डरने का नहीं टू कल से वन टू वन टू माइनस वन टू माइनस वन माइनस टू. हाँ जी सही बोला. क्या बोला. जीरो कॉमा टू किधर. वेरी गुड एंड शी इज वन कॉमा जीरो. वेरी गुड ज्वाइन इट. यू ज्वाइन इट. इरा डिशीज सही बोला. लगे हाथों इसका इक्वेशन लिख लेते बाबा. दिस इज टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो. ओरिजिन साइड सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक. हा दिस इज इक्वल टू टू प्रिंटिंग मिस्टेक टू. हाँ जी गिरने तो कोई नहीं होता. यहां पे ध्यान दो. बताइए लेस देन ग्रेटर देन बताइए. इफ आई सब्स्टिट्यूट जीरो कॉमा जीरो. जीरो कॉमा जीरो इज जीरो एंड जीरो इज लेस देन टू. सो व्हाट इज बिलो द लाइन. हाँ जी टू एक्स क्या होगा. 2x plus y is less than 2. Naturally, ऊपर क्या होएगा. Smart, हाँ, very good. 2x plus y is greater than 2. Is this okay? Any doubts? Doubt? नहीं ना. Okay, very good. I'll go for the next part now. अगला 0 comma minus 1. Correct. ये ना तुमको कुछ भी बताओ तुम हाँ बोलते. ये रहा तुम बोला सूरभ पश्चिम से. हाँ हाँ ध्यान दो ना. वन कॉमा जीरो ये रहा तो लाइन ड्रॉ करें. ये रहा लाइन सही है कि नहीं है. हाँ जी ये रहा लाइन. अब इसका इक्वेशन बताइए मुझे. x माइनस वाई इज इक्वल टू वन. ओरिजिन जीरो 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 लेस देन वन. बाउंसर जा रहा है किस समझ में आ रहा है. हाँ दिस इज ओरिजिन दिस इज जीरो कॉमा जीरो. जीरो माइनस जीरो इज जीरो and zero is less than one. Very good. So inequality batao na. Correct. X minus y is less than one. Kya baat hai. Dekho focus karo. X minus y is greater than one. Is this okay. Samajh mein aa raha hai thoda thoda. Very good. Ab humko kya chahiye. Humko kya chahiye. देखिए ना यहाँ पे ये जो पहला वाला लाइन है उसको हम रेड रेड वाला कलर यूज करते हैं इसके लिए जी. तो इसमें हमको क्या क्या चाहिए. ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन टू और इक्वल टू टू. हमको चाहिए इक्वल टू टू एंड ग्रेटर देन टू. मतलब विच रीजन
विच रीजन ऑन द लाइन अबो द लाइन, तो क्या करने का, शेड करने का, शेड द रीजन, क्या करेगा, शेडिंग द रीजन. सो आई एम गोइंग टू शेड द रीजन, आई विल शेड इट लाइक दिस, यू सी, ऐसे, कैसे, ऐसे. देखो पूरे लाइंस मैंने यहां पर ऐसे ड्रॉ कर लिए, पैरेलल लाइंस. सो ऑल दीज आर द पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर सेटिस्फाइंग द गिवन इनइक्वालिटी. समझाना रे, समझ में आ गया. तो आई वॉन्ट सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर सेटिस्फाइंग दिस ब्लू वाला इनइक्वालिटी. ब्लू बोले तो यह, ब्लू बोले तो यह, यहां पे क्या चाहिए, इक्वल टू वन, लेस देन वन, क्या क्या चाहिए, इक्वल टू वन एंड लेस देन वन, समझे, ऑन द लाइन अबो द लाइन. तो अगेन अगेन लेट्स बिगिन, क्या बनेगा बताइए. इट इज लाइक दिस, इट्स सेट ऑफ ऑल दीज लाइन्स, it is set of all these lines. समझ में आ रहा है सबको. ऑनलाइन पीपल आर यू देयर, से यस ऑर नो, पता चलेगा, नहीं तो मुझे पता चला तुम गायब हो गए बीच में. ऑनलाइन पीपल आर यू देयर, ऑनलाइन पीपल आर यू देयर, यस सर, हाँ हाय हाय जी, चलो वेरी गुड सर, हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड. अब थैंक यू फॉर मेंटेनिंग साइलेंस फॉर अ व्हाइल, ओके, आपको कम करना है, बंद करना है, दो मिनट रुकिए. अब मुझे चाहिए सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर सेटिस्फाइंग दोनों, बोथ द इनइक्वालिटीज, हमको चाहिए सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर सेटिस्फाइंग बोथ द इनइक्वालिटीज. तो कौन सा रीजन है जो बोथ द इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे, करे, तो मैं उसको दिखाना चाहूंगा यहां पे. इट इज दिस रीजन, यू सी, इट इज दिस रीजन and it is this region, ये पूरा, हा चलेगा, I'll use the other color. दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है. Is this okay? Any doubts there? Samjhe? So it is this region. Okay? All right. ये जो region होता है इसे कहते हैं feasible region. What do we call this as? Feasible region. हम इसको कहते हैं feasible region. English में बोलते हैं feasible region. Yeah. We call this region as feasible region. What is the feasible region? It is the region which satisfies both the inequalities at the same time. Isn't it? Ye blue wale baki ke points se they are satisfying only one inequality. Ye jo points se they are satisfying only other equality. Inequality, but these are the set of points which are satisfying both the inequalities simultaneously. Something? Hello? Is that clear? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? Very good. चलिए आगे बढ़ते हैं. So this was the first question. इसी तरीके से जाने का है. पहले convert the inequality into equation. दूसरा plot the lines and shade the region. और लास्ट में अभी क्या होगा, शो द कॉमन शेडेड एरिया, कॉमन शेडेड एरिया विल गिव अस द आंसर, एज सिंपल एज दैट, समथिंग. चलिए तो जैसा कि हम यहां पे देख रहे हैं कि आप विल गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन नाउ, विल गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन नाउ. फोर में का, सॉरी फाइव में का टू, क्वेश्चन नंबर फाइव सब पार्ट टू. चलिए आप बताइए मुझे. हां जी
सॉरी या एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एट. ओके हो गया तुम्हारा ठंडा हुआ तो ऑल डन. ओके थैंक यू ग्रेट. हाँ एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू माइनस टू, जीरो कॉमा माइनस टू. अभी आंसर करिएगा प्लीज, इफ यू आर इन द कंफर्ट जोन प्लीज आंसर एवरीबॉडी. पुट वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू टू, सो द पॉइंट इज टू कॉमा जीरो. करेक्ट है. एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू फोर, वेरी गुड, जीरो कॉमा फोर. वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू एट, वेरी गुड, बहुत स्मार्ट, बहुत स्मार्ट, वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ जी नेक्स्ट प्लॉट, प्लॉट द रीजन, वेरी इजी. आई प्लॉट द रीजन हियर. अब देखो ये 8 तक जाएगा ना एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस कहाँ तक जाएगा? ये बहुत गंदा है. चलो कोई नहीं, ओन मून नाल अंजी आर ये वाय माइनस वाला एंड माइनस वाला. यस प्लीज, आई मार्क द फर्स्ट लाइन या फर्स्ट इनइक्वालिटी विद रेड वाला, रेड कलर. सो जीरो कॉमा माइनस टू ये रहा एंड टू कॉमा जीरो ये रहा. हाउ इज द लाइन गोइंग टू बी, हाउ इज द लाइन गोइंग टू बी? यस अरे बस कर यार किधर जा रहा है. सो इट इज लाइक दिस. टॉकिंग अबाउट द इनइक्वालिटी, टॉकिंग अबाउट द इनइक्वालिटी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू. ओरिजिन जीरो जीरो जीरो, जीरो इज लेस देन टू. हाँ तो क्या लिखूं ऊपर? एक्स माइनस वाई इज मतलब बता रहे हो, पूछ रहे हो मुझे, लेस देन टू बताना होता है. लेस देन टू, आई मीन आर यू गिविंग मी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस? कम ऑन. हाँ जी बताइए. लेस देन टू, हाँ कई लोग ऐसे करते हैं लेस देन टू. अरे बता रहा है, पूछ रहा है. हाँ जी बताइए, आगे बताओ. तो ये देखो ना, जीरो सिंपल है, जीरो 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 इज लेस देन टू, वेरी गुड वेरी गुड. अगर ये लेस देन टू है तो नीचे होगा एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन टू. समझे? सही है, वेरी गुड. अभी दूसरा, दूसरा आई चूज अदर कलर फॉर दैट, ब्लू कलर. जीरो कॉमा फोर ई रहा ससुरा एंड दिस इज एट. सही है. एंड देन दिस यू ज्वाइन, व्हाट यू गेट देयर? अभी सवाल नहीं देने का मेरे को, जवाब देने का. हाँ पहले ही बता रहा हूं मैं. सो दिस इज एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एट. मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हम कुछ नहीं बोलूंगा. मैं ओरिजिन साइड लिखना चाहूं तो एक्स प्लस टू वाई इज, सब लोगों का एक मत है या सांसद बना के रखा है इसका? सांसद नहीं है ना. ओके This is less than 8, तो ऊपर होगा x plus 2y is greater than 8. ये समझा ना रे, सब कुछ समझ में आ गया ना? वेरी गुड.
अभी हमको क्या चाहिए उसको देखते हैं पहले। हमको चाहिए, पहले रेड वाला देखते हैं। वी वॉन्ट इक्वल टू टू एंड लेस देन टू, वी वॉन्ट इक्वल टू टू एंड लेस देन टू। तो हमको यह चाहिए और वह चाहिए, ऑन द लाइन अबो द लाइन, यस और नो, ऑन द लाइन अबो द लाइन। सो जस्ट मार्क दिस रीजन विद द थिंग, ऐसे इट्स दिस रीजन, ऑल दिस रीजन। दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। तो ग्राफ पेपर नहीं देते तो अपने को ऐसे प्लेन पेपर पे कर सकते, नॉट अ बिग डील, इजी है। ऑलराइट, अब दूसरा, लेस देन एट इक्वल टू एट, कौन सा चाहिए बाबा? ऑन द लाइन बिलो द लाइन, है ना? हेलो हेलो हेलो, हाँ। तो इट इज दिस, इज दिस ओके? विच इज द विजिबल रीजन? कैन यू टेल मी द फिजिबल रीजन विच इज सेटिस्फाइंग बोथ द इनइक्वालिटीज? हमको वह रीजन चाहिए जो दोनों सेटिस्फाई करेगा, दोनों बताइए बच्चों, इट्स दिस, है ना? ग्रीन, ग्रीन, ओके जी। ये रहा, यहां से वहां तक, है ना? और वहां से कहां जा रही है? यहां से ऐसे, isn't it? Any doubts about that? समझ में आया सबको? Fine. What shall I call this as? Dash dash region. Fill in the blanks. Very good, smart. देखो ना, बोलो ना, focus करो रे, आ जाता है visible region. Okay. Any doubts about this? Is this very clear to you all? Okay. क्या हो रहा है? I'll go for the next question now and then I'll stop. और एक question solve करूंगा, ठीक है? चलो तीन question बचे हैं, तीन में से कौन सा एक मैं कर लूँ आप बताइए, बाकी के दो आप लोगों को करना है। You want me to solve the fourth one? Okay, fine. चलिए,
दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर. अरे सॉल्व तो आप ही करोगे, मैं तो सिर्फ लिखता जाऊंगा. चलिए बताइए, मैं आपका मुनीम जी हूं. टेल मी. हाँ जी, चलो एक एक करके पिन पॉइंट करके बता दे. पिन पॉइंट से बहुत डर लगता है. इज इक्वल टू सिक्स. देखा सर, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो. हाँ जी, वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू थ्री. पॉइंट इज 3,0. इधर पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो. पिन पॉइंट करूं, वाई इज इक्वल टू वन. द पॉइंट इज 0,1. पुट वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू फोर. द पॉइंट इज 4,0. इज दिस ओके? एनी डाउट्स? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यहां पर अभी अपने को प्लॉट करने हैं पॉइंट्स को. लेट मी प्लॉट दीज पॉइंट्स. वेल, आई प्लॉट दीज पॉइंट्स. अरे यार, यस, वन टू थ्री फोर फाइव. थैंक यू फॉर साइलेंस. वन टू थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री. बताइए. आई शो द फर्स्ट लाइन बाय रेड वाला कलर. 0,2, ये रहा. आगे बताइए. 3,0, ये रहा. सो द लाइन इज गोना बी लाइक दिस. Isn't it? Equation बता रहा हूं. The equation is 2x plus 3y is equal to 6. Please raise your hands to tell me the inequality. Calculations आप दिमाग में ही कर लो. And after raising the hands, I'm going to pinpoint you all. कैलकुलेशंस आपको करना है दिमाग के अंदर. डोंट टेक टेंशन, उसका सिंपल है, बहुत सिंपल है. रोहित, व्हाट शैल आई राइट ऑन द ओरिजिन साइड? 2x प्लस 3y इज. रोहित को पूछा है तो सिर्फ रोहित ही बताएगा ना. ऊपर क्या होगा? 2x plus 3y is greater than 6. Is this okay? और मुझे चाहिए less than or equal to. मतलब on the line, below the line. Shading में बाद में कर लूंगा. Let me switch to the second line now. Blue color से हम उसको दिखाने वाले हैं. I want to show it by blue color. Is that okay? The points are 0,1, ये रहा. And 4,0, it's here. So let me show the line here. The line is somewhat like this. Sahi hai? Talking about the equation is x plus 4y is equal to 4. Do the calculations in your mind and raise your hands for telling me the inequality in this case. क्या करना होता है आपको? ओरिजिन के इक्वेशंस कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करके चेक करो.
वो आर एच एस से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है उससे डिपेंड. सो अपर नाउ टेल मी द नेक्स्ट वन. इफ आई राइट हियर एक्स प्लस फोर वाई इज लेस देन फोर, जीरो आ रहा है ना वो, इज जीरो लेस देन फोर. यस, समझ में आ गया, ठीक है. ओके, सो हियर इट्स गोइंग टू बी एक्स प्लस फोर वाई इज लेस देन फोर एंड आई वॉन्ट ग्रेटर देन फोर इक्वल टू फोर. सो आई वॉन्ट दिस एंड दिस. इट्स टाइम टू शो द शेडिंग. आई विल शो द इंडिविजुअल शेडिंग एंड देन आई विल फोकस ऑन द कॉमन शेडिंग. करेक्ट, पहले हमें इंडिविजुअल शेडिंग दिखाना पड़ेगा. चलिए दिखा देता. तो ऑन द लाइन अबोव द लाइन ये रहा. See like this. Online people, are you there? Online people, are you there? Online people, are you there? Then on the line and below the line. Online people, are you there? भैया है कि नहीं है? है तो सही, एक ही छे बाकी भाग गए. Yes. So now I want the common shaded area. I want the common shaded area. कहां पर आएगा वो? जी बताइए कहां से कहां पर आएगा. इट्स फ्रॉम हियर ना, ऐसा जाएगा वो. एंड अगेन, अरे इधर तक आएगा नहीं क्या वो? विल बी टिल दिस पॉइंट. सो दिस इज द कॉमन शेडेड रीजन, राइट. एनी डाउट्स अबाउट दैट? So I'll call this as visible region. Any doubts about that? Hello? Is that clear to you all? Okay? Well, we'll stop here for maths and I would like to switch over to physics now. Okay?